से। डालडा एक जोइश कंपनी है, प्लीज इसके बजाय आप सूफी ऑयल इस्तेमाल कीजिए, ये बेहतरीन है। या आप किसान ऑयल इस्तेमाल कीजिए, या आप मेजान ऑयल भी यूज कर सकते हैं। चाय की पत्ती पर आते हैं, लिप्टन भी एक जोइश कंपनी है, इसके बजाय आप इस्लामाबाद टी या वाइटल टी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिस्किट्स पे आते हैं, लू एक बहुत बड़ी फ्रांस की कंपनी है, इसके तमाम बिस्किट लेना बिल्कुल बंद कर दें। लू के प्रोडक्ट्स का बायकॉट कर दीजिए, साथ साथ ओरियो को भी बायकॉट कर दीजिए। इसकी जगह आप बिस्कोनी, मेफेयर, विस्लर्स, पिक फ्रिंस, इसका नाम अब इंग्लिश है, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। एक पैक हर्गिस मत यूज कीजिए, नीडो का भी बिल्कुल बायकॉट कर दीजिए। इसकी जगह आप हलीब, नोरपोर्ट, प्रेमा, एडम मिल्क या अनहार मिल्क यूज कर सकते हैं, ये बेहतरीन मिल्क है। मैगी नूडल्स भी यहूदियों की प्रोडक्ट है, इसकी जगह पे आप शान नूडल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, प्योर पाकिस्तानी है। केएनएन भी इसी तरह से जोइश की प्रोडक्ट है, इसकी जगह पे आप सूफी के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। नोर भी यहूदियों की प्रोडक्ट है, इसकी जगह पे आप नेशनल, यंग्स, मिचल्स की प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। लेज भी यहूदियों का ब्रांड है, इसकी जगह पे आप ओयो चिप्स इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूटेला को भी हरगिज़ मत इस्तेमाल कीजिए, ये भी जोइश प्रोडक्ट है, इसकी जगह पे आप यंग्स यूज कर सकते हैं। चॉकलेट में डेयरी मिल्क, किटकैट बायकॉट कीजिए, जोइश प्रोडक्ट है, इसकी जगह पे आप नोवेला या सोनट का इस्तेमाल कीजिए। यूनिलीवर यहूदियों का बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत सारे और प्रोडक्ट्स आते हैं, रफान भी इसी का हिस्सा है। रफान की तमाम अशिया लेना बिल्कुल बंद कर दीजिए, इसकी जगह आप नेशनल, मिचेल्स, लजीजा, यंग्स की प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। जूसेस में आप तमाम टैंक के जूसेस लेना बिल्कुल बंद कर दीजिए, इसकी जगह आप जामे शीरी, रू अफजा, लीमो पानी इस्तेमाल कीजिए और पाकिस्तान की इकोनॉमी में इजाफा कीजिए। इसलिए भी जोइश कंपनी है, इसके जूस में फ्रूटा वाइटल का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दीजिए, इसका बायकॉट कर दीजिए, इसकी जगह आप पुटियन या मजा की प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। आइसक्रीम्स में वॉल्स और ओमोर का बिल्कुल बायकॉट कीजिए, ये जोइश प्रोडक्ट है, इसकी जगह आप हीको की प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर की जगह शक्कर इस्तेमाल कीजिए, KFC मैकडोनल्ड की जगह हॉर्डी से खा लें, खुदारा अपने मुल्क की इकोनॉमी में इजाफा कीजिए। ते हैं यहूदियों की बैकबोन की तरफ की मशरूबात कोल्ड ड्रिंक्स की तरफ, पेप्सी कोकोला रिकॉर्ड कीजिए। तो इन यहूदियों, इन काफिरों, इन एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लाम जो मुसलमान के दुश्मन है, इकोनॉमी वैसे ही गिर जाएगी। ही पैसों से हमारे मुसलमान बहन भाइयों का सरेआम कत्ल कर रहे हैं, गजा में, फिलिस्तीन में, लिबनान में। पेप्सी कोकोला का खुदारा बायकॉट कीजिए, इसकी जगह पे आप गोरमे के प्रोडक्ट्स अमृत कोला इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है कि आप शुगर केन जूस खरीदे, नेचुरल भी है, बेस्ट है, और उससे पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा, हमारे किसानों को बहुत फायदा होगा। बेबी प्रोडक्ट्स की तरफ आते हैं, तो जॉनसन कंपनी का मुकम्मल बायकॉट कीजिए, ये प्योर जोइश कंपनी है, इसकी जगह पे आप कोई भी पाकिस्तानी ब्रांड जिसे आप वाकई हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिलेट भी जोइश कंपनी है, इसकी जगह आप ट्रीट के प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए। क्रीम्स में फेयर एंड लवली टोटली जोइश कंपनी है, इसका बायकॉट कीजिए, इसकी जगह पे आप केयर हनी लोशन इस्तेमाल कर सकते हैं। वीट भी एक जोइश कंपनी है, वीट की जगह पे आप निसा हेयर रिमूविंग क्रीम इस्तेमाल कीजिए, बहुत बेस्ट है। हेयर प्रोडक्ट्स में हेड एंड शोल्डर्स, पेंटीन, डव, सनसिल्क, ये बिल्कुल बंद कर दीजिए, सब जोइश प्रोडक्ट है। इसकी जगह पे आप बायो आमला शैम्पू यूज कर सकते हैं, या हिमानी बाय वसीम बदामी की प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए, या सईद गनी की ब्यूटी प्रोडक्ट्स, हेयर प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टूथपेस्ट में कोलगेट अमेरिका की कंपनी है, सेंसोडाइन भी यहूदियों की कंपनी है, इसको हरगिज़ मत इस्तेमाल कीजिए, इसकी जगह पे आप पाकिस्तानी प्रोडक्ट ABC टूथपेस्ट या मिसवाक टूथपेस्ट या मैजिकैम टूथपेस्ट इस्तेमाल कीजिए। सोप्स में पामोलिव भी अमेरिका की कंपनी है, इसका भी इस्तेमाल मत कीजिए। लक्स, डव, ये सब जोइश प्रोडक्ट्स हैं, इसका भी बायकॉट कीजिए, इसकी जगह आप कैप्री सोप इस्तेमाल कीजिए, वाइटल सोप्स या सूफी सोप इस्तेमाल कीजिए। सोप में सर्फ एक्सल एरियल का बिल्कुल बायकॉट कर दीजिए, इसकी जगह सूफी सुपर सर्फ, ये बहुत बेस्ट है, या आप गाय वॉशिंग पाउडर यूज कीजिए। आपको याद है कि एरियल वालों ने किस तरह से कुरानी आयत को निशाना बनाया था, सोशल मीडिया के ऊपर तहरीक चली थी कि एरियल का बायकॉट किया जाए, और थोड़ा सा बायकॉट हुआ कि ये माफिया मांगने पहुंच गए कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा। अगर हम मुसलमान 1 अरब से ज्यादा फ्रांसीसी या यहूदियों के प्रोडक्ट का बायकॉट कर दें तो उनके खिलाफ जंग जीत जाएंगे। डिश वॉशर में मैक्स एंड विम का बायकॉट करें, ये यहूदी प्रोडक्ट है, इनकी जगह पे आप सेफॉन डिश वॉशर लिक्विड यूज कर सकते हैं या सूफी सोप इस्तेमाल कर सकते हैं। डायपर्स में प्लीज मेरी ये रिक्वेस्ट है कि पैंपर्स का मुकम्मल तौर पर बायकॉट कीजिए। हगीज भी जोइश प्रोडक्ट है, इसका भी बायकॉट कीजिए, इसकी जगह पे आप लियो पाकिस्तानी कंपनी है उसके डायपर्स यूज करें, या मॉलफिक्स डायपर्स भी यूज कर सकते हैं, ये बहुत बेस्ट है। मेकअप की तरफ आते हैं, तो रेवलॉन, लोरियल, ये सब जोइश कंपनी है, इनका बिल्कुल बायकॉट कीजिए, इसकी जगह आप पाकिस्तानी मेकअप ब्रांड इस्तेमाल कर सकते हैं जो की बहुत ही बेहतरीन है। नबीला, मुसरत मिसबा, ओडो बाय अतीका ओडो, काशी बाय काशिफ, ये सबसे बेस्ट मेकअप प्रोडक्ट है। क्लोथिंग और शूज की तरफ आते हैं, तो बोस, लेवाइस, मार्क्स एंड स्पेंसर, अरमानी जैसे तमाम ब्रांड्स का बायकॉट कीजिए, इसकी जगह पाकिस्तान के ब्रांड्स खाड़ी, गुल अहमद, वर्दा, स्टाइलो और सर्विस जैसे ब्रांड्स को प्रमोट कीजिए। और आप एक बहुत जरूरी प्रोडक्ट जो कि बहुत ज्यादा यूज होती है, सैनिटरी पैड्स, तमाम बहनों से गुजारिश है कि ऑलवेज जैसे मनहूस यहूदी ब्रांड का इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। इसके बजाय सेंटेक्स एक पाकिस्तानी बहुत अच्छा ब्रांड है जिसमें बटरफ्लाई, अदर कम्फर्ट जो येलो पैकेजिंग में न्यू है, ये बहुत बेस्ट है। ऑलवेज को बायकॉट करने से वाहियात एड्स भी खुद बहुत टीवी चैनल्स पर चलना बंद हो जाएंगे। वीडियो में मैंने बहुत सी जोइश और बहुत सी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को करने की कोशिश की है। आपकी आसानी के लिए मैंने एक चार्ट बनाया है, इस चार्ट को डेवलप करवाकर अपने किचन या अपने फ्रिज पे लगाएं ताकि आप चलते फिरते तमाम पाकिस्तानी अशिया को जहन नशीन कर सकें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करके अपना
अपना फर्ज अदा करें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सोचिए कि हम किन चीजों को फरोग दे रहे हैं, हमारी हलाल की कमाई किन लोगों को जा रही है। यहूदी पैलेस्टाइन गजा पे बॉम्बिंग करके लाखों की तादाद मुसलमान का कत्ले आम कर चुके हैं, क्यामत के दिन ये जवाब तो दे पाएंगे ना कि एटलीस्ट हमने उनकी चीजों से रिकॉर्ड किया, नफरत की उनकी चीजों से। अल्लाह हमारी छोटी सी कावश को कबूल करे, आमीन। तमाम लेडीज से गुजारिश है कि ग्रोसरीज किचन के स्टाफ का उनको ज्यादा इल्म होता है, तो नेक्स्ट टाइम कुछ भी खरीदने से पहले पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को जहन नशीन कर लें। वीडियो खत्म करने से पहले मैं पाकिस्तान की कंपनी जो जेरे कायदियानी है उन पर भी नजर डालना चाहती हूँ। कायदियानी पाकिस्तानी मिनोरिटी के तौर पर मौजूद है, लेकिन हम इनको और इनकी चीजों को नहीं तस्लीम कर सकते क्योंकि कायदियानी खत्म नबूवत पर ईमान नहीं रखते, हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते। हमारा फर्ज बनता है कि हम इनकी चीजों से दूर रहें। हमारा मजहब हमारे मुल्क से भी बढ़कर है। पाकिस्तान में जो कंपनी कायदियानियों की है उनका भी मुकम्मल तौर पर बायकॉट किया जाए, जैसे कि कैनोलिव ऑयल इसका बायकॉट किया जाए, जायका घी भी बायकॉट किया जाए। शेजान बहुत बड़ी कायदियानियों की कंपनी है, प्लीज इसका मुकम्मल तौर पर बायकॉट किया जाए। शेजान की जगह पे आप नेशनल, मिचेल्स, यंग्स या लजीजा के प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। दिल पसंद भी कायदियानियों का ब्रांड है, इसका भी बायकॉट किया जाए। आयशस बुटीक भी कायदियानियों की है, इसका भी बायकॉट किया जाए। मुतबे हमीद जो कायदियानी अद्वियात है इनका भी बायकॉट किया जाए। इसकी जगह पे आप गर्शी या हमदर्द के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम मुसलमान मुतहद होकर इन सब चीजों का बायकॉट कर देंगे, रोजे महशर सुरखरू होंगे, अपने आपका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंह दिखा सकेंगे, ये कह पाएंगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बस में जितना हुआ मैंने किया। प्यारे भाई बहनों, आप सब भी हुजूर के दुश्मनों को अपना दुश्मन